अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 अक्टूबर है। मैं इस वक्त हेल्डन में हूँ, हमारे हेल्डन टाउन में, न्यू जर्सी में। तो मेरे घर की से तकरीबन 400 फीट के फासले पर एक पार्क है, वहाँ जो है आज हेल्डन का परेड का इनेकाद का सिलसिला शुरू हो रहा है। हमारे हेल्डन टाउन की जो ये म्यूनिसिपल कमेटी, इसने अरेंज किया है, तो मैं आज आपको वहाँ ले चलता हूँ। चले सिर्फ समझे कि यहाँ से 400 फीट के फासले पर ही है, तो हम चलते हैं। अभी आपको बताऊँ, मैं इस वक्त 6:45 बज रहे हैं और सैटरडे का दिन है, 29 तारीख है। वैसे तो 31 को हैलोवीन की नाइट मनाई जाती है, लेकिन हमारे टाउन में 2 दिन पहले ये परेड रखी है। तो वहाँ तक पहुँचते हैं तो हम आपसे वहाँ मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, परेड में वो गाड़ियाँ और सायरन की भी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो ये सामने है। मैं आपको बता दूँ, ये देखिए सामने जो आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे घर से 400 फीट से दूरी है। इस समय ये सामने की सामने पार्क है, बैलमोल पार्क कहलाता है ये। और ये परेड जो है, हैलोवीन की परेड पूरे एरिया में राउंड करेगी, जिसमें तमाम लोगों ने मुख्तलिफ लिबास पहने होंगे, चुड़ैलों के, भूतों के और तरह तरह के। ये अब ये त्यौहार जो था, ये फेस्टिवल का रुख इख्तियार कर गया है। मैंने इसकी हिस्ट्री तो बताई है, हैलोवीन क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, आप मेरी दूसरी जो वीडियो देखेंगे इसमें मिल जाएगा। तो मैं आपको परेड की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए हमारा एरिया, आइए हम आपको परेड की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए डेकोरेशन किया है सारा यहाँ हमारे टाउन ने, और बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, बहुत सारे आ रहे हैं अभी ज़्यादा तादाद में। और इस वक्त देखें, सब लोगों ने मुख्तलिफ जानवरों के और उस तरह के रूप धारे हुए, चमगादड़ों के, पिटियों के, भूतों के। जैसा कि मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था कि ये कैलेट कबीला था, वहाँ से शुरू हुआ था, 2000 साल पुरानी ये रस्म है। पहले तो ये खौफ की अलामत समझा जाता था और इनका ये अकीदा था इस कबीले का। अब ये कभी इनका अकीदा था कि ये हमारे जो लोग इंतकाल कर गए 31 अक्टूबर को भूतों की शक्ल में आते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं। फिर बाद में इन्होंने क्रिश्चियन हजरात ने भी इसको मनाना शुरू कर दिया, हैलोवीन के नाम से, हेलो इवनिंग के नाम पड़ा, द सेंट के नाम से हुआ। अब ये ऐसा फेस्टिवल हो गया है कि एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट हो गई है इसके अंदर। और अमेरिका में तो अरबों रुपए का ये है ना बिजनेस हो गया, यहाँ पे पूरी दुनिया में हो गया है। और लोग घरों में खाना बनाते हैं, पिकनिक करते हैं, पार्टियां करते हैं। इसके जहाँ बहुत से फायदे नज़र आते हैं, वहाँ नुकसान भी हैं। नुकसान इसके ये है कि लोग इसमें कुछ हादसा भी हो गए हैं कि जब वो पहन लेते हैं, अपने मुंह पर ढाप लेते हैं अपना सारा, किसी का भी चुड़ैल, भूत, बिल्ली, जानवर, जो भी पलीद चीज़ें हैं, तो फिर पता नहीं चलता कि ये वारदात कुछ नहीं करी है। मगर इसलिए जो
इसमें यहाँ के बिजनेसमैन लोगों को भी कारो ज़्यादा फ़ायदा है और यहाँ के लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अब जैसे देखे बच्चे यहाँ आए हैं और सब ने माशाल्लाह मुख्तलिफ किरदार करेक्टर बने हुए हैं। ये लोग यहाँ की हमारी टाउन कमेटी के अलावा यहाँ की जो पुलिस का महकमा है वो दोनों मिलके ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो महकमा पुलिस जो है वो टाउन कमेटी के अंडर में आता है, जैसे हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम, सारे टाउन को बल्दियाती कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। और हमारा टाउन ये ज़्यादातर प्रोग्राम करते रहता है, और वो भी अभी 5-7 दिन के बाद इलेक्शन भी है हमारे यहाँ मेयर के और म्यूनिसिपल कमिश्नरों के और एजुकेशन बोर्ड के, बहुत से हमारे मुसलमान हजरात भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और दोनों पार्टी है हमारी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी पूरी परेड यहाँ पहुँचने वाली है गाड़ियों की शक्ल में, और ये गाड़ियाँ भी देखिए रखी हुई हैं यहाँ पे, इसमें किरदार इन्होंने तरह एस्केलेटन जो है यहाँ देखे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हर गाड़ी में इन्होंने ये देखे। सब ने अपनी गाड़ियों को सजाया है, ये देखें। हेलो हाउ आर यू? फाइन फाइन, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस। योर फेस? हेलो, योर फेस वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी मुख्तलिफ टाइप के सबने फेसेस बनाए हुए हैं। ये देखिए खाने पीने की भी यहाँ पे ट्रक लगाए हैं इन्होंने, और इसकी डेकोरेशन क्या हुआ है मुख्तलिफ कैरेक्टर बनाए हैं यहाँ पर। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ, बताता हूँ कि गाड़ियों में क्या क्या इन्होंने डेकोरेशन किया है। क्योंकि ये नाइट का फेस्टिवल होता है तो अभी शाम है और लोग आ रहे हैं, और देखिए सब किरदार सबके चेहरे नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ डेकोरेशन हो रहा है। मुख्तलिफ किरदार आपको नजर आएंगे यहाँ पे तरह तरह के। ये पंपकिन है, इसकी भी यहाँ एक पूरी स्टोरी है पंपकिन की। इनका कहना है कि एक साहब थे जैक नाम के, उन्होंने शैतान को गिरफ्त में ले लिया था और शैतान से कहा था कि मैं तुम्हें जब छोड़ूंगा जब तुम मुझे जन्नत में दाखिल करोगे। तो भाई इसने जैक साहब ने तो इनको जन्नत का नारे रफाने दे दिए, अब शैतान क्या जन्नत में ले जाएगा आपको बताइए। तो फिर ये साहब के बारे में कि यहाँ के लोगों का अकीदा है कि ये जैक जो है वो इस रात को ये लालटेन लेके घर घर आता है, वो तो जन्नत को गया नहीं, अब यहाँ मसले के बाहर दुनिया में घूम रहा है। ये इनका अकीदा है यहाँ पे, जैक लालटेन के नाम से ये करते हैं इसको। और पंपकिन का मौसम भी होता है, सर्द चूंकि मौसम शुरू हो जाता है
और सर्दियों में पंपकिन भी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो ये पंपकिन में भी मुख्तलिफ डिजाइन करते हैं और सेल होते हैं यहाँ पे ज्यादा। अभी बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारी यहाँ आ रही है, बहुत लोग जमा होंगे क्योंकि जैसे जैसे रात होती जाएगी लोग आते रहेंगे और मुख्तलिफ आपको चेहरे नजर आएंगे। बच्चे बड़े सब बहुत एंजॉय करते हैं ये लोग। और 31 को तो बाकायदा परेड वहाँ न्यूयॉर्क में होती है, बहुत लंबी परेड चलती है 31 को। तो इंशाल्लाह देखिए मौका लगा तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो बाय रोड जो है वो 20-25 मिनट का है हमारा न्यूयॉर्क। देखिए तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको सजाया है बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह। हेल्डन पुलिस डिपार्टमेंट है, कम्युनिटी पॉलिसिंग, इन्होंने देखे ये इसको सजाया है, कितना ब्यूटीफुल है, खूबसूरत पुलिस की गाड़ी है ये, हेल्डन हमारे पुलिस है यहाँ की। तो यहाँ से समझ लो कि 400 फीट पे ये सामने TD बैंक है, इससे चौथा ही रिहाइश हमारी, चौथा मकान ही हमारा है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सारा। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, व्हाट आर यू सेलिंग? नॉट सेलिंग, फ्री पेंटिंग। ओके, ये फ्री पेंटिंग कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ जो है ना ये तमाम लोगों को फ्री लगाएंगे सारे पेंटिंग वगैरह की, जो भी बच्चे आएंगे इनको फ्री। वेरी नाइस, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी नाइस सर्विस। फ्री फॉर ऑल, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये पेंटिंग करते हैं यहाँ पे ये लोग, बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ देखे चेहरों पे मास्क लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ किरदार बने हुए हैं, ये जो यहाँ बैठे हैं पेंटिंग के लिए, ये डरावने चेहरे बनाएंगे बच्चों के बड़ों के, इसकी कोई चार्जिंग नहीं है यहाँ पे। म्यूजिकल का इन्होंने रात का प्रोग्राम है तो म्यूजिकल का सेट कर रहे हैं। एक रस्म क्या है, ये भी है ट्रिक और ट्रीट की, के बच्चे आते हैं मुख्तलिफ यानी चेहरे पे मास्क लगा के बिगाड़ के, तो घर वाले जो है ना उनको चॉकलेट टॉफियां जो भी होते देते हैं। तो ये देखिए इसमें ये दिए जा रहे हैं सबको चॉकलेट है, इनका ये है कि कहना कि बच्चे इसलिए आते हैं कि भाई अगर आप चॉकलेट दो तो ट्रीट दो, वरना हम ट्रिक दिखाएंगे। पहले ये होता था कि भाई नुकसान पहुंचाते थे बच्चे घरों में ये वो, तो यहाँ के घर वाले क्या करते हैं कि उन बच्चों को जो ट्रॉफियाँ वगैरह देते हैं, तो इस स्टॉल पे देखिए बच्चों को ट्रॉफियाँ वगैरह मिल रही है, बच्चों को ट्रॉफियाँ दी जा रही हैं यहाँ पे, तमाम बच्चे ट्रॉफी दे रहे हैं। और ये सब लोगों ने यहाँ पे रखी है, ये गेम भी है यहाँ पे प्ले करने के लिए रखा हुआ है इन्होंने। गाड़ियों में जो टॉफियां वगैरह
ये तमाम गाड़ियों में देखें चॉकलेटें टॉफियाँ मौजूद हैं और काश मौजूद हैं। जो बच्चे भी यहाँ निकल रहे हैं इन सबको ये डिस्ट्रीब्यूट करें, फ्री दे रहे हैं सबको ये चॉकलेटें टॉफियाँ वगैरह। जो जो बच्चे देखे यहाँ आ रहे और तमाम गाड़ियों से जो यहाँ मौजूद है इससे ये कुछ ना कुछ ले रही है। और 31 की फर्स्ट को ये रातों में घरों पे भी आते बच्चे शहरों पे मुख्तलिफ टाइप के जो ये के जीन और बकरी और अपने काली बिल्ली और चिपकादार इस टाइप के जितने भी हैं डरावने के पास पहन के आते हैं और घर वाले लोग जो हैं इनको फौरन चॉकलेट और टॉफी दे देते हैं। हेलोवीन पे यहाँ पे काफ़ी फिल्में भी बनी हैं, 12-14 फिल्में बन चुकी हैं, सिक्वल भी बना है पूरा एक पूरा हेलोवीन पे। और ये ओरिजिनल किरदार था एक बाकायदा ओरिजिनल शख्स था, कहानी थी उसके साथ भी ये होता था कि बड़ा कहते थे कि स्टेप पे उनके मदर फादर हुआ करते थे उनके जुल्म करते थे तो वो ऐसा खतरनाक हो गया था कि वो हेलोवीन के दिन ही मकसद के लोगों को कत्ल करता था। माँ बाप को पहले तो अपनी बहन को इसने कत्ल किया जो स्टेप सिस्टर थी, माँ बाप को किया और फिर बाद में जो जो इसको छेड़ते थे तंग करते थे तो उन सबको कॉलेज के अपने स्टूडेंट को उसने मारा। ये फिल्में बनी है 12-13 अब जाके एक हेलोवीन एंड के नाम से फिल्म जो है वो आई है अभी और वो मेरे ख्याल में आखिरी पिक्चर होगी इसमें ये जो किरदार था ये मरम्मा मार दिया जाएगा। वरना अब तक हर फिल्मों में ये मारा नहीं गया था। मास्टर के नाम से है, मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर नाम किरदार का। ये ओरिजिनल कहानी थी मगर यहाँ फिर इन्होंने इसको फिल्मी रंग दे दिया और काफ़ी बिजनेस किया इन्होंने मसले के मिलियन डॉलर्स में बिजनेस हुआ और बहुत कम पैसों में नौकरी दी है। तो ये फिल्में यहाँ चली हैं, यही था कि वो अपने चेहरे को ढाप देता था और पकड़ा ही भी नहीं देता था कि किसने मारा है इसको। तो ये किरदार था फ्रस्ट्रेशन का, वो किरदार था जिसके बचपन में बहुत जुर्म हुआ जाती हुई तो इस दिन पे वो अपने जिस दिन ने तंग किया था इसे तो उसको सबको ये मारता है और हाथ भी नहीं आता क्योंकि पहचानने में नहीं आता इस तरह का कौन था है, क्या है। मगर ये अभी हेलोवीन एंड के नाम से फिल्म आई है इसमें सुना है कि मैंने देखी नहीं है मगर पता चला है कि भाई वो इसमें इसको मार दिया जाता है वो हत्थे लग जाता है। मेरे ख्याल में लास्ट फिल्म होगी बनाई है, काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत पैसे भी कमा लिए इन लोगों ने हॉलीवुड वालों ने सब्जेक्ट पे। हॉरर फिल्में में आप देखें मैंने अपनी ओरिजिनल बेबी देखो बिठाई हुई है देखो आप देखें ओरिजिनल ग्राउंड एक किरदार के साथ है ये देखे टॉफी दे रहे हैं यहाँ पे टॉफी के फूल रहे हैं।
मशीन को ट्रिक एंड ट्रीट मिल रहा है सारा। हर गाड़ी में इनामत रखेंगे। देखिए बच्चों को कॉफी दे रहे टॉफी, सब बच्चों को टॉफी मिल रही है। डिपार्टमेंट की तरफ से भी देखें इनको पाइप मिल रहे हैं और ट्रॉफी मिल रही है और इनको बाकायदा हेड दिया जा रहा है और ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इनको पाइप मिल रहे हैं। देखिए ट्रॉफी दे रहे हैं, ट्रॉफियां दे रहे हैं। देखो ये माइकल जैक्सन के गाने बच्चे डांस कर रहे हैं। माइकल जैक्सन has arrived and she's going to be helping me cut the ribbon. If everybody could just make sure that you go in, we have time. Your mother, we have enough money for everybody. Elsa, are you ready? All right, open the ribbon. काटा है उन्होंने अंदर जाने के लिए। जो भी बच्चे देखे देखे लोग पंपकिन ले जा रहे हैं यहाँ से, जो पंपकिन उनको मिल रहा है वो पंपकिन है। ये पंपकिन कैसे ले जा रहे हैं, पंपकिन और जो गिफ्ट पड़े हुए हैं वो यहाँ से ये लोग लेके जा रहे हैं बच्चे। बस यहाँ से ये ले जाए और अपने घरों को सजा लेंगे। ये सब फ्री ले जा रहे हैं, समझ लेना, एवरीथिंग इज फ्री। ये तब सब चीज जो है ना ये फ्री है। ये देखिए पंपकिन, ये सारे फ्री है। बच्चे देखिए ट्रिक एंड ट्रीट पे बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। ये पंपकिन यहाँ पड़े हुए हैं। तस्वीरें किरदारों पे बना खींच रहे हैं, बना रहे हैं। ये पंपकिन जितने भी पड़े हुए हैं ये बस ये फ्री है, जो चाहे ले जाए यहाँ से। अभी इसकी रिबिन कटिंग हुई थी। Thank you.
तरह की डेकोरेशन करते हैं साहब। क्या सीधा है कि इस रोज जो है ये जो उनके मरहूमिन इन शक्लों में आते हैं तो वो भी अपने घरों के साथ जाते हैं ताकि वो भी समझे कि भाई यहाँ भी हम जैसे लोग रहते हैं ताकि यहाँ के रहने वालों के नुकसान ना पहुंचाए। ये इनका अकीदा था पहले कि इस टाइम 31 अक्टूबर को आते हैं हमारे जिनकी रूहें भूत और शक्ल में और तो ये